मध्य प्रदेश में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी की चौथी लिस्ट जारी होने के बाद से ही एमपी बीजेपी में बगावत तेज है। इन्हीं खबरों के बीच मैहर के बीजेपी के विधायक नारायण त्रिपाठी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही बीजेपी की प्राथमिक सदस्यता से भी उनका त्यागपत्र आ गया। नारायण त्रिपाठी कांग्रेस से चुनाव जीतने के बाद से बीजेपी में ज्वाइन हुए थे। इसके बाद से उपचुनाव में बीजेपी की तरफ से वो चुनाव जीते थे। नारायण त्रिपाठी ने कहा कि अभी पार्टी का सम्मान करते हुए इस्तीफा दिया है, आगे की रणनीति जल्द बताऊंगा। उनके इस्तीफे के बाद से ही कांग्रेस में जाने की जो उनकी अटकलें हैं वो तेज हो चुकी हैं। बीते कई दिनों से अगर आप देखिए तो कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से उनकी नजदीकियां भी बढ़ती दिखाई पड़ रही थी। बताया गया कि 16 अक्टूबर को वो उनका फाइनल निर्णय होगा। बता दें आपको कि मैहर की जो विधानसभा सीट है वहां से मौजूदा विधायक नारायण त्रिपाठी का टिकट काट दिया गया है। यहाँ के केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थक नेता श्रीकांत चतुर्वेदी को यहाँ से उम्मीदवार बनाया गया है और तभी से उनके पार्टी छोड़ने की अटकलें लग रही थी। नारायण त्रिपाठी लंबे समय से बीजेपी से नाराज थे। करीब 2 सालों से वो अपनी पार्टी और सरकार पर हमलावर दिखाई पड़ रहे थे, लगातार अपनी पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे। इससे पहले नारायण त्रिपाठी ने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा को भी पत्र लिखकर अगले विधानसभा चुनाव में सत्ता विरोधी लहर दूर करने के लिए गुजरात की तर्ज पर राज्य और सत्ता में संगठन में आमूलचूल परिवर्तन करने की मांग भी की थी चिट्ठी लिखकर। त्रिपाठी ने यह मैसेज देने की कोशिश की थी कि अगर मध्य प्रदेश जीतना है तो ऑपरेशन गुजरात करो। इसका सीधा मतलब यह था कि गुजरात फॉर्मूला जो है वो ही एमपी में लागू करो। गुजरात में चुनाव से पहले आपको याद होगा सीएम मंत्री सबको बदल दिया गया था। विधायक नारायण त्रिपाठी बीजेपी से इस्तीफा देने के बाद अब कयासों के दौर से गुजर रहे हैं, क्योंकि ये कहा जा रहा है कि वो कांग्रेस में जुड़ सकते हैं। उनकी कांग्रेस के शीर्ष नेताओं से नज़दीकियां लगातार सामने आ रही हैं। उनके कांग्रेस में जुड़ने की अटकलों को 16 अक्टूबर तक फिलहाल टाल दिया गया है कि 16 अक्टूबर को पता चलेगा। नारायण त्रिपाठी कई बार अपना दल बदल चुके हैं, आप जानते हैं। समाजवादी पार्टी से चुनाव जीतने वाले नारायण त्रिपाठी कांग्रेस से विधायक बने, फिर बीजेपी से विधायक बने। दरअसल एमपी में चौथी बार जब बीजेपी की सरकार बनी तो नारायण त्रिपाठी के अंदर मंत्री बनने की चाहत जाग गई। वो लगातार पार्टी लाइन के खिलाफ जाकर बयानबाजी कर रहे थे, ऐसे राजनीतिक विश्लेषक भी कहते हैं कि उनकी इच्छा प्रबल हो गई। इसके साथ ही अपनी ही सरकार के खिलाफ लगातार वो आवाज़ उठा रहे थे। उन्होंने अलग विंध्य प्रदेश बनाने की मांग तक कर दी, आंदोलन कर रहे थे उसके लिए। बीजेपी से पहले नारायण त्रिपाठी कांग्रेस और सपा में भी रह चुके हैं। समय के अनुसार इनका मन बदलता रहता है। पहले से ही कयास लगाए जा रहे थे कि 2023 के चुनाव में पार्टी उनकी छुट्टी भी कर सकती है। नारायण त्रिपाठी ने समाजवादी पार्टी से विधायकी का अपना जो सफर है वो शुरू किया था, फिर कांग्रेस का हाथ उन्होंने थाम लिया, दूसरी बार विधायक बने। उसके बाद साल 2015 के उपचुनाव में बीजेपी के टिकट से वो लड़े और जीते। 2018 के विधानसभा चुनाव में दोबारा बीजेपी के टिकट पर वो जीतकर विधानसभा पहुंचे थे। विधायक त्रिपाठी पिछले 2-3 साल से लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी कर रहे थे और अलग विंध्य प्रदेश की मांग भी कर रहे थे और पार्टी पर लगातार हमलावर भी थे। वहीं कटनी जिले के मुंडवारा विधानसभा से बीजेपी नेताओं की नाराजगी सामने आने लगी है। इस वक्त विनय ज्योति दीक्षित निर्दलीय उम्मीदवार लड़ने की बात कह चुके हैं। अब समाज सेवी और दिग्गज नेताओं में शुमार संतोष शुक्ला ने भी निर्दलीय या फिर कांग्रेस से चुनाव लड़ने की बात कही है। बहरहाल मैहर से नारायण त्रिपाठी का इस्तीफा निश्चित तौर पर थोड़ी परेशानी जरूर देगा। हालांकि वो पिछले कई दिनों से लगातार पार्टी विरोधी बयानबाजी कर रहे थे, अब वो किस पार्टी में जाते हैं क्योंकि दल बदल उनका इतिहास रहा है, उनका भविष्य किस ओर है ये आने वाला वक्त बताएगा। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी, अपने स्मार्ट टीवी पर यूट्यूब पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।